हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देख रहे हैं ये आर्टिकल जोमर फेरियन इन यूरोपा। यूरोप के अलग अलग देश में समर वेकेशंस कितनी होती हैं, कितने देर की होती है, कितने टाइम की होती है। इंडिया में आजकल 30 से 40 दिन की, 30-40 डेज़ की समर वेकेशंस होती है। बट यूरोप के अलग अलग कंट्रीज़ में क्या सिचुएशन है वो हम देखेंगे। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पर, जोमर फेरियन इन यूरोपा। ठीक है, जो लांगे ब्लाइबन डिश शूलन इन आंद्रन लेंडन गेस्टलोसन। इतने दिनों तक स्कूल बंद रहते हैं, गेस्टलोसन मतलब बंद रहते हैं, क्लोज रहते हैं इटली में। ये वीक्स में 14 वीक्स, 13, 12 वीक्स, 11 वीक्स, सबसे ज़्यादा इटली में रहते हैं 14 वीक्स तक। 14 वीक्स का मतलब समझ रहे हो, 14 × 7, इतने दिन तक स्कूल बंद रहते हैं, 98 डेज तक ऑलमोस्ट, सबसे ज़्यादा इटली में स्कूल बंद रहते हैं। उसके बाद लेटलैंड, लिटुआन, एस्टलैंड, स्पानियन, सबसे कम नीदरलैंड में 6 वीक्स तक। 6 वीक मतलब एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो 6 वीक्स में कितने, 40 डेज, 42 डेज। ये सिचुएशन है यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ में। ठीक है, सबसे कम 6 वीक्स के लिए। ठीक है, जर्मनी में भी ऑलमोस्ट इतने वीक्स के लिए रहते हैं, जर्मनी में भी ऑलमोस्ट इतने वीक्स के लिए रहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो सिचुएशन किस तरह से है यहाँ पे। तो अलग अलग कंट्रीज़ में सिचुएशन दी हुई है कि कितने टाइम तक स्कूल बंद रहते हैं ना। तो देखते हैं अभी हम आगे, इसमें कुछ एक आर्टिकल भी है, देखो। जैक्स वोकन जोमर फेरिन हाबन शूलर इन एंड शूलर इन डॉचलैंड। तो जर्मनी में कितने होती है, जैक्स वीक्स, 6 वीक्स मतलब 6 × 7 डेज, तो 42 डेज की, 42 डेज बंद रहते हैं जर्मनी में। इन आंद्रन लेंडन यूरोपा टाइल्स आंदर साउस, बट जबकि दूसरे पार्ट्स में, यूरोप के दूसरे कंट्रीज में पार्शली डिफरेंट है। टाइल आंदर साउस मतलब आउसजेन, यहाँ पे वर्ब है आउसजेन, यहाँ पे हम कुछ वोकैब भी देखेंगे। आउसजेन मतलब अपीयर, कुछ दूसरी कंट्रीज में थोड़ा डिफरेंट अपीयर होता है। मानशन जिन डी जोमर फिर इन जोगार फास्ट डोबल्ट, तो इन सम कंट्रीज फास्ट डोबल्ट मतलब डबल है। जैसे हम 12 वीक्स तक भी स्कूल बंद रहते हैं कुछ कंट्रीज में, जर्मनी में 6 वीक्स तक रहते हैं। तो देख रहे हो आप इस तरह से ये सिचुएशन है, इस तरह से स्कूल अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग बंद रहते हैं, अलग अलग कंडीशन है वहाँ पे ना। जर्मनी में अलग है, दूसरे कंट्रीज़ में अलग है, तो इस तरह से सिचुएशन हम देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आपने देखा है अभी, हमने आर्टिकल पढ़ा है। तो ये देखिए सिचुएशन है इस तरह से, देख रहे हो कितनी अलग अलग कंडीशंस हैं। तो यही आर्टिकल था, तो इसलिए मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए भी पता रहना चाहिए ना, हम लोग जर्मन पढ़ रहे हैं, क्या चल रहा है यूरोपियन कंट्रीज़ में। यहाँ पे वो कैब देखोगे आप, डी शूलर गेस्टलोसन, डी शूलर जिंड गेस्टलोसन ना, डी शूलर जिंड, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है जिंड। स्कूल्स आर क्लोज्ड, अगर ओपन होगा तो गे ऑफ नेट है ना, ये आपको पता है, गे ऑफ नेट गेस्टलोसन बंद रहना। तो ये कंट्रीज़ के नेम है अलग अलग। जो लॉन्ग मतलब सो लॉन्ग, तो यहाँ पे क्या, गेस्टलोसन ब्लाइबन यहाँ पे वर्ब लिखा है इन्होंने, यूज़ किया गेस्टलोसन ब्लाइबन मतलब स्टे क्लोज्ड, इतने दिन बंद रहते हैं। तो यहाँ पे गेस्टलोसन ब्लाइबन भी लिख सकते हैं है ना, गेस्टलोसन ब्लाइबन इन्होंने यहाँ पे लिखा है, ब्लाइबन जैसे गेओफनेट, तो ब्लाइबन के साथ गेओफनेट भी हो सकता है, गेस्टलोसन भी हो सकता है। तो यहाँ पे गेस्टलोसन है, बंद है, अगर ओपन रहेगा तो गेओफनेट होगा है ना, इतने दिन ओपन रहते हैं, तो गेओफनेट के साथ हम लिख सकते हैं यहाँ पे ओपन रहना। तो यहाँ पे बहुत अच्छा ये सेंटेंस इन्होंने फ्रेम किया है। ठीक है, देख रहे हो आप, तो गेस्टलोसन और गेओफनेट दोनों यूज़ किया है, दोनों यूज़ हो सकते हैं, तो गेओफनेट और गेओफनेट भी हो सकता है, मतलब इतने दिन ओपन रहते हैं, और बंद है तो गेस्टलोसन, वर्ब है ब्लाइबन। ओके, लाइक जैक्स वोकन ब्लाइबन डी शूलन गेस्टलोसन, फियर्सन वोकन ब्लाइबन डी शूलर गेओफनेट, एग्जाम्पल इस तरह से हमने सेंटेंस यहाँ पर देखा है। तो ये वोकैब हो गया यहाँ पर। ठीक है, और नीचे टेक्स्ट में भी कुछ वर्ब्स से देखिए यहाँ पे, जैसे जोमर फेरियन होता है समर वेकेशन, ऐसे विंटर फेरियन होगा विंटर वेकेशन, विंटर फेरियन। ठीक है, फेरियन वर्ब यूज़ करते हैं वर्ड। शूलर इनन प्लूरल है, शूलर, शूलर इनन मतलब गर्ल्स, गर्ल्स के लिए यूज़ हुआ है शूलर इनन प्लूरल। बॉयज, पता है आपको शूलर मतलब जो स्कूल में पढ़ते हैं उनको शूलर बोलते हैं, जो कॉलेज गोइंग होते हैं उनको बोलते हैं स्टूडेंट। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, स्टूडेंट और शूलर। ठीक है, शूलर होता है जो स्कूल में होता है, जैसे लैंग्वेज स्कूल में या प्राइमरी स्कूल सेकेंडरी स्कूल में शूलर, कॉलेज गोइंग को बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, देख रहे हो इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, इन आंद्रन लेंडन, ये प्लूरल है, इन अदर कंट्रीज, आंद्रन लेंडन इन अदर कंट्रीज, आउसजेन जीट हाउस, आउसजेन मतलब अपीयर, टाइल्स आंद्र मतलब पार्शली, थोड़ा बहुत डिफरेंट नज़र आता है दूसरे कंट्रीज में सिचुएशन। फास्ट डबल्ट मतलब ऑलमोस्ट डबल, ऑलमोस्ट डबल मतलब वीक्स होते हैं वहाँ पे जिस दिन स्कूल बंद होते हैं।
ठीक है, तो ये वो कैब थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाकी देखते रहो आप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना अगर आपको स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है फ्री सबके लिए। चलिए बाय बाय, आउ विटर सेन।